हरे कृष्णा। फूडी गोपाला में आपका स्वागत है। मैं अलका। फूडी गोपाला में आज हम लेकर आए हैं स्पेशल नवरात्रा थाली, बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपीज के साथ। इन रेसिपीज को आप किसी भी व्रत में पा सकते हैं, जैसे एकादशी, नवरात्रा। तो चलिए बनाते हैं। अब हम बना रहे हैं रोस्टेड मखाने। गैस की फ्लेम को मैंने पहले ही ऑन कर दिया था और कढ़ाई को थोड़ा गर्म कर लिया है। आधी चम्मच मैंने इसमें घी का डाला है और थोड़ा सा नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको जब हम हिलाते रहेंगे तो नमक इसमें अपने आप मिक्स हो जाएगा और थोड़ा सा घी डालने से ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आप इनको बिना घी के भी बना सकते हैं। मखाने हमारे बहुत अच्छे रोस्ट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। आप देखिए इनका क्रिस्पीनेस, बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं ये। आप इनको एयर टाइट जार में रखकर 5-6 दिन आराम से यूज कर सकते हैं, ये सीलते भी नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम बना रहे हैं मखानों की खीर, जिसके लिए मैंने गैस पर भिगोने को रख दिया है। उसमें मैं दूध डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें मखाने भी डाल दूंगी। मखानों को मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था, इससे ये सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से ये दूध में डालने के बाद मिक्स हो जाएंगे। मखानों को मैंने पानी में से बहुत अच्छे से निचोड़ लिया है और सारे मखाने मैं इसमें अब दूध में डाल रही हूँ। खीर हमारी अब पकने लगी है, दूध में अच्छे से बॉयल आ रहा है। गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। इसको हम पकने देंगे और इतना हम बना लेते हैं चटनी। अब हम बना रहे हैं आंवले की चटनी। यहाँ पर मैंने 5 बड़े आंवलों को कद्दूकस कर लिया है। आंवला आना मार्केट में अब शुरू हो गया है, विंटर स्टार्ट हो रही है। और ये 4-5 हरी मिर्च और अदरक का एक बड़ा टुकड़ा, इसको कद्दूकस कर लिया है। इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक और काली मिर्च। अब हम इसको मिक्सी के जार में ग्राइंड करेंगे। कद्दूकस करके अदरक और आंवले को ग्राइंड करने से उसका एक बहुत अच्छा पेस्ट बन जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। आप इसमें शक्कर या मीठा भी डाल सकते हैं अगर आप मीठा खाते हैं तो। मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ। ये आंवले और अदरक की चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम खीर की तरफ चलते हैं, जो उसको कि हमने गैस पर लो फ्लेम पे रखा था। बीच बीच में मैंने उसको हिला दिया था। अब हम उसको देख लेते हैं। खीर भी हमारी अब काफी अच्छे से पक चुकी है। इसमें मैंने 2 ग्लास दूध लिया था, 1/2 किलो से थोड़ा ज्यादा दूध था, और 1 कटोरी मखाने लिए थे जिनको कि मैंने भिगो लिया था। और इसमें मैं थोड़े से भिगोए हुए बादाम डाल रही हूँ जिनको कि मैंने काट लिया है, और 3-4 कलियाँ मैं इसमें ये केसर की डाल रही हूँ। पकते पकते में ये अच्छा कलर दे जाएगा। अभी हमारी खीर पक रही है। 5 बड़े चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी के। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। मखाने की खीर अब हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम बना रहे हैं आलू और मखाने की सब्जी। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, कुकर गर्म हो चुका है और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। घी हमारा गर्म हो चुका है और मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा। जीरा हमारा भुन चुका है। ये मैंने टमाटर का पेस्ट तैयार करके रखा है। 1 कटोरी टमाटर का पेस्ट मैंने इसमें डाला है। टमाटर के पेस्ट में ही मैंने अदरक कद्दूकस कर दिया था। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अगर आप देगी मिर्च इस्तेमाल करते हो व्रत में तो आप वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर काली मिर्ची ही डाल रही हूँ और साथ में थोड़ी हरी मिर्ची डाली है मैंने इसमें। टमाटर की ग्रेवी अब हमारी लगभग काफी भुन चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी मखाने। इसको थोड़ा भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। ये 2 मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, इनको मैंने हाथ से क्रश कर लिया है। 1/2 ग्लास मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आप सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी रखना चाहते हैं तो पानी ना डालें। थोड़ा सा मैं इसको रसेदार बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मखाने की सब्जी हमारी तैयार है बिल्कुल। अब हम अपने नवरात्रा थाली में बना रहे हैं शाही पनीर की सब्जी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। पैन में घी गर्म हो चुका है। ये मैंने टमाटर का पेस्ट तैयार किया है, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कद्दूकस करा हुआ अदरक, 1 चम्मच
ये एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई है ये डाल रही हूँ इसमें, और एक छोटा चम्मच नमक, सेंधा नमक है ये, और एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। आप अगर देगी मिर्च इस्तेमाल करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये व्रत वाला शाही पनीर बहुत जल्दी बन जाता है, इसको बनाने में मुश्किल से 7-8 मिनट लगते हैं। और ये 2 चम्मच मैंने फ्रेश मलाई लिया था, इसको मैंने अच्छे से फेंट कर, इसमें 2 चम्मच ही मैंने दूध मिक्स किया है, इसको अच्छे से फेंट कर मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था। ऐसा करने से जब हम टमाटर की ग्रेवी में इस क्रीम को डालते हैं तो वो फटती नहीं है। टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं, ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। ये मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है जिनको मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये क्रीम जो मैंने घर में ही तैयार की है। ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छा कलर आ गया है इसका। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे पनीर। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, पनीर हमारा बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, और इसको बनाने में मुश्किल से 7-8 मिनट लगते हैं। अब हम बना रहे हैं नारियल और दही की इंस्टेंट चटनी। नारियल को मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया है। अगर आपके पास हरा नारियल नहीं है तो आप जो नारियल का बुरादा मिलता है मार्केट में वो भी इसमें डाल सकते हैं। और इसमें मैं 2 चम्मच डालूंगी, ये मैंने मूंगफली का पीस कर पाउडर बनाया हुआ है, 2 चम्मच मैं इसमें ये मिक्स करूंगी मूंगफली पाउडर। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी दही, और ये नारियल कद्दूकस करा हुआ, थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ मैं सेंधा नमक, और 1 छोटा चम्मच आधी हरी मिर्च बारीक कटी हुई। ये चीज़ें इसमें डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, और हो गई ये हमारी नारियल की इंस्टेंट चटनी बिल्कुल तैयार। आज की इस नवरात्रा थाली में मैं बना रही हूँ एप्पल का रायता, जिसके लिए मैंने आधा एप्पल बारीक काट लिया है, और 1 कटोरी दही ले रही हूँ मैं इसके लिए। दही को मैंने फेंट लिया है पहले ही अच्छे से मधाने से, और 1/2 छोटा चम्मच सेंधा नमक, 1/4 स्पून काली मिर्च पाउडर, और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये हो गया हमारा एप्पल का रायता तैयार नवरात्रों के व्रत के लिए। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे खीरा और मूंगफली की सैलेड। आमतौर पर हम लोग रोस्टेड मूंगफली तो व्रत में खाते ही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बना रही हूँ बॉइल्ड मूंगफली से सैलेड विद खीरा। 1 कटोरी मूंगफली मैंने यहाँ पर ली है, इसको मैंने 2 घंटे भिगा लिया है। उसके बाद अब मैं इसको 2 विसिल लगवाकर कुकर में बॉयल करूंगी, और उसके बाद हम बनाएंगे इसकी सैलेड। ये हम मूंगफली को बॉयल होने के लिए रख रहे हैं। इसमें मैंने 1 ग्लास पानी डाला है, 1 कटोरी मूंगफली को मैंने भिगो कर रखा था 2 घंटे। उसके बाद हम इसको 2 सीटी लगाकर बॉयल करवाएंगे, और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सेंधा नमक। ये मूंगफली भी हमारी बॉयल हो चुकी है। अब हम इस पानी को छानकर मूंगफली को अलग कर लेंगे। बॉयल्ड मूंगफली को हमने पानी में से छान लिया है, और खीरे को भी हमने बारीक काट लिया है। इसमें हम मिक्स कर देंगे खीरा और सेंधा नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ, और थोड़ी सी काली मिर्च, आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, मैं इसको बिना नींबू के ही बना रही हूँ। और अभी हमारी खीरा और मूंगफली की सैलेड बिल्कुल तैयार है। आज हम बनाएंगे साबूदाने का पराठा। उसके लिए हम साबूदाने को सबसे पहले हम धोएंगे, जैसे कि हम राइस को धोते हैं ऐसे ही हम साबूदाने को धोएंगे। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी साबूदाना लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम 3-4 बार अच्छे से धो लेंगे। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, 3-4 बार धुलने के बाद इसका पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, साबूदाना बिल्कुल हमारा क्लीन हो गया है। अब ये जब हम इसको बनाएंगे तो चिपकेगा नहीं। अब हमें इस साबूदाने को 4-5 घंटे के लिए भिगोना है। नवरात्रा थाली के लिए स्पेशल साबूदाना पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये साबूदाने को भिगोया था, और इसमें 2 बड़े आलू मैंने कद्दूकस करे हैं, उसको मैं मिक्स कर रही हूँ। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कद्दूकस किया हुआ अदरक 2 छोटे चम्मच, सेंधा नमक 1.5 छोटा चम्मच, और इसको बाइंड करने के लिए कुट्टू का आटा 2 बड़े चम्मच। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच मूंगफली पाउडर, जिसको कि मैंने मूंगफली को रोस्ट करके घर में ही पीसा है। और अब हम इसको एक बड़े बर्तन में डाल लेते हैं, उसके बाद इसका हम एक स्मूथ डो तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये डो हमारा लगभग तैयार है। इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि साबूदाना की नमी थी, आलू की नमी थी, उसी में ये डो हमारा तैयार हो गया है। अभी मैं एक बार हाथ धोकर उसके बाद इसको स्मूथ कर लूंगी। एक बार हाथ में पानी लगाकर भी मैं इसको, जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं, ऐसे भी इसको हम गूंद सकते हैं, इससे और स्मूथ हो जाएगा। और जब हम पराठा बनाएंगे तो उसके किनारे टूटेंगे नहीं। ये डो हमारा बहुत स्मूथ हो चुका है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करा दूंगी ढककर। ये पराठा बनाने के लिए हम नॉर्मल जैसे हम पराठा बनाते हैं उतना ही बड़ा छोटा साइज का कर सकते हैं। हाथ में मैंने थोड़ा घी लगा लिया है और सूखे आटे की जगह मैंने कुट्टू का आटा ही लिया है। इसको आप नॉर्मली धीरे धीरे, इसको मैं चकले पर ही बेल रही हूँ, आप पॉलीथीन पर भी बेल सकते हैं, हाथ से भी बेल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से और आराम से बेल गया है। तवा भी हमारा गर्म हो गया है। तवे पर मैं थोड़ा सा बेसन भी डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसको इक्वली टिश्यू पेपर से पोंछ दूंगी, इससे हमारा पराठा इस पर चिपकेगा नहीं। और ये पराठा हम इस पर डाल देंगे। सिर्फ हमें गैस को तेज तभी करना है जब हमें तवे को गर्म करना है, उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे से सिक जाए और खूब क्रिस्पी बने। ये साबूदाने का पराठा अब हमारा बिल्कुल बहुत अच्छे से सिक चुका है, बहुत क्रिस्पी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। आप इसको बिना सब्जी के दही से भी खा सकते हैं, चटनी से भी खा सकते हैं, मक्खन से भी खा सकते हैं। आइए अब हम अपने नवरात्रों की थाली लगाते हैं भगवान के भोग के लिए। ये हमने बनाया है शाही पनीर और ये हमने बनाई है आलू और मखानों की सब्जी, मूंगफली और खीरे का सैलेड, रोस्टेड मखाने, सेब का रायता, नारियल की इंस्टेंट चटनी और आंवला और अदरक की चटनी और मखाने की खीर। और साबूदाना, आलू और कुट्टू की पराठी। व्रत में खाई जाने वाली स्वीट डिश कलाकंद, छेना मुड़की और रसमलाई का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उनको भी जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।